हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अर्पित फिर से आपका स्वागत करता हूँ अर्पित दिस में। तो दोस्तों, आज अपन करेंगे इविलन का लास्ट पीस ऑफ द मास्क। जी हाँ, आ चुका है ये अपडेट। ये है एक और गेमिंग न्यूज़ धमाकेदार। तो हमने ग्रेल ले लिया है, तो ग्रेल हमें आप देख सकते हैं कहाँ पर मिला था। तो भाई बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, पता नहीं क्या होगा जब हम मास्क कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा। बहुत इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए यार अर्पित दिस के साथ। इविलन के सारे वीडियोस हिंदी में देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इविलन की। तो डूर अपन ने ओपन कर लिया है, तो डूर बंद करेंगे हमेशा की तरह और वुड प्लैंक लगा देंगे। देखिए किस तरह से ग्रेल चमक रहा है भाई लाइट कर करके। तो चलिए लगा देते हैं ग्रेल को। तो हमने ग्रेल लगा दी है और ये हो गई भाई पेंटिंग में लाइट भर गई और ये पेंटिंग खुल गई पाँचवीं और ये चल दी टीवी। तो अब टीवी बंद होने वाली है, हुई 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 बंद हुई और बंद होते ही हमें मिल चुकी है नई चाबी, द मिस्ट्री ऑफ सीमेंट्री। तो हमें करना है आज ये सॉल्व। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले सेफ की को और ये है पांचवी पेंटिंग की स्टोरी। समझने में आ जाए तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में जाओ, हिंदी इंग्लिश दोनों दी हुई है यार सारे वीडियोज़ में। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें भाई, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो अब गेट लगा देते हैं अपन। तो चलिए देखते हैं सारी चीज़ें। मैं देखता हुआ जा रहा हूँ कि आसपास कहीं कुछ मिल जाए, क्योंकि नया मिशन है हमारे लिए सीमेंट्री का। तो सीमेंट्री में बता दूँ पहले आपको कि कहाँ पर है सीमेंट्री। तो वायर मैंने लगा दिया था पहले ही, ग्रेल उठाने से पहले ही, जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो आपको पता है वायर कैसे लगाना है, तो बटन दबा दूंगा मैं तो सारे डोर खुल जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ करो या मत करो, वायर तो लगा ही लो इसमें। तो थोड़ा कूद लेते हैं भाई। तो ये हमने जंप मार ली, चलिए मस्ती मजाक हो गया। आप चलते हैं, आपको सीमेंट्री दिखाता हूँ मैं। तो ये आपको गेट खोलना है, यहाँ से जो लेफ्ट में वो गेट दिख रहे हैं आपको, तो इसे हम खोलेंगे। ये रही सीमेंट्री, देखिए ये नई अपडेट में आई है, पहले नहीं आती थी। तो ये सीमेंट्री का गेट टूट चुका है, अब अंदर जाएंगे। देखिए भाई कितनी डरावनी जगह, दो स्टेचू। तो दीज स्टेचू प्रेजेंट द टाइम, मतलब टाइम बता रहे हैं। और यहाँ पर इतने सारे लोगों को मार कर गाड़ा हुआ है इविलन ने, पता नहीं आगे हम इविलन को मारेंगे या क्या होगा। तो ये गेट में हमें तीन चीज़ें लगानी है जैसा कि दिखा हुआ है, तो मैं चाबी यहाँ गिरा देता हूँ। तो एन आइटम फिट्स इन दिस हॉल, चलिए ढूंढते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है टाइम तो एक घड़ी से रिलेशनशिप है टाइम का, सिंपल सी बात है। तो बाथरूम को खोल के हम देख लेते हैं पहले कि कुछ चीज़ हमें मिल जाए, क्योंकि हमें तीन चीज़ें चाहिए लगाने के लिए। तो दूसरा वाला भी मैं खोल लूँगा और इसमें भी चेक कर लेते हैं हम। तो अभी तक तो मुझे कुछ दिखा नहीं, और इसको खोलते हैं। इसमें एक गोट हेड है जो कि हमें काम नहीं है, क्योंकि हमने उसका मास्क पीस पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम जाते जा रहे हैं भाई, हमें एक चीज़ चाहिए होगी जैसा कि अभी हमें पढ़ा था, शोवल। शोवल मतलब आप फावड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि हमें जो कब्रें हैं उन लोगों की वो खोदना है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ और वो देखिए कोने में मिल गया शोवल। हम लकी हैं भाई, हमें मिल गया है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहीं भी हो सकता है ये। तो अब मैं बाहर निकलता हूँ शोवल लेके। ये मुर्गे भाई चले दाने खाने, ये दाने के पीछे चला जाएगा जहाँ भी रखा होगा न्यू अपडेट में। तो बहुत अच्छा कर दिया भाई गेम, अब तो भाई ये बेस्ट है, मैं ग्रेनी से बेस्ट इसे ही बताऊँगा सही में। बहुत मस्त है भाई, कितना अपडेट हो रहा है लगातार। तो हमने शोवल ले लिया, अब चलिए खोदते हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ, डर मत जाना। ये देखिए यहाँ पर आदमी पड़े हुए हैं, पुतले बन गए हैं, किसी में पुतला भी पड़ा हुआ है। तो ये सैटनिक रिचुअल्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इनके चक्कर में ही विलन पागल हो गई थी। तो यहाँ पर उस लड़के की फ़ोटो पड़ी हुई है, मतलब वो असली कब्र है, और बाकी में डमी है, कुछ में असली लोग हैं जिनकी फ़ोटो वोटो पड़ी हुई है। तो ये हमें मिल गया एक स्टार, तो शोवल पटक देते हैं। ये मिल गया हमें अर्थ स्टोन, तो अर्थ स्टोन को लगा देंगे हम इस गेट में, जैसा कि हमने देखा था कि तीन जगह हैं। तो अर्थ स्टोन हमने लगा दिया, ज़्यादा जो है इसकी सेंसिटिविटी हो रही है, क्योंकि हर अपडेट में सेंसिटिविटी चेंज होती रहती है। और मैं कंप्लीट करके ला रहा हूँ, तो आठ और पाँच दिया हुआ है इसने। और टाइम, तो मुझे जहाँ तक याद है कि टाइम में यहाँ पर एक घड़ी होती है, तो हम उसी घड़ी के पास जाते हैं। मुझे लगता है उसी घड़ी में से कुछ घपला होगा एंड उसी घड़ी में से कुछ निकलेगा। तो चलते हैं यार घड़ी के पास। ये घड़ी जो है हमारा पिंक रूम के पास रहती है, पिंक रूम और बाथरूम के पास में। तो यहाँ से हम जाएंगे, वो रही देखिए। तो घड़ी को मैं चेक करता हूँ, ये देखिए इसमें एक बटन है, तो हम बटन दबाते हैं
और शायद इससे टाइम चेंज हो, तो जो वो टाइम हम वहाँ देख के आए थे वो मैं सेट कर रहा हूँ इसमें। तो ये मैंने कर दिया है 8:05, और अब मैं बटन दबा दूँगा, और जी हाँ बिल्कुल सही था, अब इसका डूर खुल जाएगा। तो ये खुल गया एंड हमने ले लिया है मून स्टोन। तो हमें एक और चीज़ मिल चुकी है मून स्टोन, तो चलिए मून स्टोन को भी हम लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार लाइब्रेरी में होया हूँ, तो लाइब्रेरी में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फोंसो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बहुत शायद सिस्टर अल्फोंसो लिखा हुआ है कर्शू राइटिंग में, मुझे जहाँ तक समझने में आ रहा है। तो हम देखेंगे वहाँ पर, मैंने एक बुक भी दिखाई थी आपको जिसमें मदर पीआई लिखा हुआ था, तो अब हमें ढूंढना है सिस्टर अल्फोंसो कौन सी कब्र में है, तो वो ढूंढेंगे। लेकिन पहले मैं ये स्टोन लगा देता हूँ ताकि ये काम तो भाई फिनिश हो। तो ये हमने एक स्टोन लगा दिया है, तो अब मैं वापस शॉवल उठाऊँगा यानी कि फावड़ा। तो भाई मदर पीआई नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए सिस्टर अल्फोंसो। अब मैंने गलत पढ़ा या सही पढ़ा यार मुझे पता नहीं, तुम तो मजे लो। तो हम फिर से कूदेंगे इसे और हटा देंगे। तो देखिए एक बुक पड़ी हुई है और इस पर लिखा हुआ है सिस्टर अल्फोंसो, तो यही है। अब इसमें हम पासवर्ड देखेंगे खड़ा होके, तो यहाँ पर कब्र पे लिखा हुआ है ये देखिए ऐसे, फिर बीच में ई जैसा सिंबल, फिर वाई, तो यही हमारा पासवर्ड है। तो अब चलिए वापस लाइब्रेरी में चलते हैं, ये पासवर्ड लगाते हैं। तो सिस्टर अल्फोंसो की जो है आपने अभी तस्वीर भी देखी, तो इविल नन ने इन सबको मार के गाड़ दिया है। जी हाँ ये काम है इविल नन का, पता नहीं वो क्या क्या करती है। तो अभी तो हम मास्क पीस जो है कंप्लीट करना है, देखिए मैं इधर घुस गया सेंसिटिविटी के मारे, तो ये टेबल भी नहीं है, तो ये रहा चलिए यहाँ ही पासवर्ड हमें डालना है। तो वही वाला पासवर्ड हम यहाँ पर लगाएंगे, सबसे पहले आगे जो सिंबल था वो मैं लगा रहा हूँ, अब बीच में ई जैसा सिंबल था तो वो हम लगा देंगे। आ जा भाई आ जा, ये आ गया, और एंड में वाई वाला सिंबल था जो कि नॉर्मल बात है, उसे भी हम लगा देंगे। ये हमने लगा दिया और खुल गया भाई, आवाज़ आ गई। चलिए ड्रॉवर खोलते हैं और ये मिल गया हमें सन स्टोन। तो भाई स्टोन्स ले लिए हैं हमने तीनों के तीनों, कंप्लीट हो गए हैं स्टोन्स भाई, बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं पहले वहाँ फेंक ही आया था, तो अब भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो सीमेंट्री में चलते हैं यार वापस, राइट लेंगे यहाँ से और चलते हैं, देखते हैं होता क्या है। इतनी सारी कब्रें, पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ भाई, पीस तो मैं कंप्लीट कर लिया, बस हो गया पीस कंप्लीट। तो अब हम गेट खोलते हैं, गेट के अंदर क्या निकलता है। तो एक सेफ है, तो सेफ की जो हमें शुरू में मिली थी जब हमने ग्रेल लगाई थी, तो उसे उठा लेंगे। चलिए की लगाते हैं, अरे मैं आगे क्यों लगा रहा हूँ भाई, इधर साइड में की लगाता हूँ, यहाँ पर ये हमने लगा दी। और जी हाँ हमें मिल चुका है लास्ट पीस ऑफ दी मास्क भाई, इतनी मेहनतों के बाद। और अब जो नई अपडेट आएगी इसके बाद उसमें मज़ा आ जाएगा, पता नहीं अब मास्क का करना क्या है, कुछ समझने में नहीं आ रहा है। तो यार मैं तो बहुत एक्साइटिंग हूँ, आप क्या सोचते हैं बताइए कमेंट्स में। एंड हिंदी में भाई कंप्लीट कर दिया एविलन, बहुत बड़ी बात है, हिंदी में बहुत कम वीडियोज़ मिलेंगे आपको एविलन पर अर्पित दिस पर मिलेंगे। तो यार नए हो तो यार सब्सक्राइब करो यार धमाकेदार वीडियोज़ के लिए, 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, और लाइक कर जाया करो यार, देखो कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए डूर ओपन करते हैं, तो हम लगाने जा रहे हैं लास्ट पीस ऑफ द मास्क। तो देख लीजिएगा कैसा दिखता है उसके बाद मास्क। तो हम जाते हैं नीचे, ठीक है ये हमने लगा दिया लास्ट पीस ऑफ द मास्क। तो भाई अभी के लिए अर्पित दिस पर इतना ही, हंसते रहिए कुछ ट्रेंड देखते रहिए, अर्पित दिस बाय बाय एंड Take care.